बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल माश, वो भी अफ़गानी तरीके से। और इसके लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमने 3 से 4 हरी मिर्चियाँ काट ली हैं बारीक बारीक। ये हमने अदरक काट के रख ली है। ये 4 से 5 हरी मिर्चियाँ जो साबुत है, ये हम पहले इस्तेमाल करेंगे। ये हमने आधा प्याज ले लिया, बड़ा प्याज था हमने आधा काट लिया। ये हमारे पास चिकन कनौर है, ये हमारे पास धनिया है, ये हमारे पास यखनी है, और ये हमारे पास आयल है, ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, ये देगी मिर्च है, ये हमारे पास नमक है, और ये ब्लैक पेपर है, और ये वाइट पेपर है। ये देखें माशाल्लाह। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, हमारी वीडियो दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। और ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम बनाएंगे। और ये हमने दाल माश प्रेशर में लगाएंगे, इसको सिर्फ 2 मिनट प्रेशर देंगे। इसमें हमने 1.5 कप यखनी डाल दी है, यखनी डाल के इसको प्रेशर लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा इसका। बिस्मिल्लाह रहमान। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आयल, इसमें अब डालेंगे प्याज, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा गुलाबी करेंगे हम सिर्फ। ये देखें हल्के गुलाबी हो चुके हैं प्याज, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च साबुत, ये हमने 6 हरी मिर्चें डाली हैं, ये देखें माशाल्लाह। और इसमें एक छोटा सा टमाटर डालेंगे थोड़ी सी खूबसूरती और टेस्ट के लिए, ये हमने डाल दिया। और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, ये हमने लंबी लंबी काट के रखी थी, थोड़ी सी अदरक डाल दी है, ये देखें। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त हमारी दाल माश अफगानी तरीके से तैयार होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे दाल। ये देखें माशाल्लाह, अब इसमें दाल ऐड करने लगे हम। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, अब इसमें हम यखनी ऐड करेंगे थोड़ी सी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार होगी, इसका टेस्ट भी बहुत कमाल का आएगा। ये देखें हम इसमें हमने पानी नहीं डालना, इसमें हमने यखनी डालनी है, और यखनी से ही इसको हमने पकाना है अच्छे तरीके से। और थोड़ा थोड़ी देर हम इसके ऊपर ढकना भी देंगे तो दाल अच्छे तरीके से गल जाए। ये जैसे पानी यखनी खुश्क होगी और यखनी डाल देंगे इसमें। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमने और यखनी डाल दी है। हमने फुल बॉयल नहीं की थी दाल, इसलिए नहीं ज़्यादा बॉयल की थी कि ये यखनी डालेंगे थोड़ी सी, अभी आधी बॉयल हुई थी आधी कच्ची थी, इसलिए हमने नहीं ज़्यादा बॉयल की कि बाकी जो ना वो यखनी में पकाएंगे इसको, इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत आला किस्म की दाल बनेगी।
जैसे मैं बना रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके बना के ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह, एक चम्मच इसमें हम देगी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और आधा चम्मच इसमें हम नमक इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक पेपर अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, वाइट पेपर थोड़ा सा डालेंगे। ब्लैक पेपर एंड पे इस्तेमाल करेंगे हम, और सफ़ेद ज़ीरा भी आखिर पे डालेंगे। ये देखें दाल की कितनी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त दाल तैयार हो गई। ये देखें, ये देख रहे हैं कितनी प्यारी ज़बरदस्त, कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, हमारी दोस्त वीडियो दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब इसको 2 से 3 मिनट ऊपर ढकना रख के पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चिकन कनौर की क्यूब्स की 1 टिक्की, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लज़त आएगी। ये देखें माशाल्लाह, अगर आप ज़्यादा दाल बना रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी डाल दें। और हम चिकन क्यूब्स के हमने तो आधी डाली, आधी इसके अंदर है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें माशाल्लाह, अब इसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा बिल्कुल, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी दाल। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। अब इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ी थोड़ी करके आपने डालनी है लैदा लैदा जगहों पे, इसको बाद में मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें आपकी दाल तैयार होने की निशानी ये होगी कि दाल जो ना ऑयल सारा छोड़ देगी। ये देखें ये इसने ऑयल छोड़ना कर दिया शुरू, तो माशाल्लाह ये देखें अभी थोड़ी देर में ही ये सारा ऑयल छोड़ देगी और दाल बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दानेदार, ये देखें माशाल्लाह। ये हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा कमाल है, इसमें हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, ये देखें दानेदार और सही गली हुई है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह ये कितनी सॉफ्ट तरीके से गल चुकी है। ये देखें सारी, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गली, और ये देखें माशाल्लाह खली खली भी है। ये देखें लहदा लहदा दाना साथ जुड़े भी नहीं है। ये हमारी दाल अभी तैयार है, इसमें बाकी चीज़ें अभी ऐड करते हैं हम। ये देखें माशाल्लाह, ये अफगानी तरीके से दाल ऐसे तैयार होती है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम कटी हुई अदरक। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी हमारी अफगानी दाल तैयार हो चुकी है। इसमें हमने सुरख मिर्च और हल्दी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की। ये देखें इसका टेस्ट और जायका भी बहुत अच्छा होगा। ये देखें माशाल्लाह, अभी हम इसको निकालते हैं प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। ये देखें माशाल्लाह, अब इसके ऊपर हम पुदीने के पत्ते लगाएंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते इसके ऊपर भी डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त अफगानी तरीके से हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। ये देखें माशाल्लाह
मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा, ये देखिए कितनी प्यारी, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह।